नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर जब भी आप अपने गांव जाते होंगे, खासकर गर्मी के महीने में, तो बिजली के गुल होने की समस्या का सामना आपको भी करना पड़ता होगा। हालांकि बिहार सरकार ने कई गांव से इस समस्या को तो दूर कर लिया है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे है जहाँ की बिजली व्यवस्था दयनीय है। जहाँ शहरों के लोग एसी की हवा भी बिना रुके खा रहे होते हैं, वहीं गाँव वालों को एक पंखे के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। हालांकि बीते कुछ समय से बिहार सरकार शहर से लेकर गाँव तक को रोशन करने की योजना के साथ काम कर रही है, जिसके तहत सरकार की यह कोशिश है कि हर गांव तक निर्बाध बिजली पहुंचाई जा सके। इस पहल में अब बिहार की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार को अब लगभग 559 मेगावाट और बिजली मिलने वाली है, जिसके कारण ही अब आपके शहर और गांव में बिजली ज्यादा देर तक मिल सकेगी। क्योंकि NTPC के पूर्ण स्वामित्व वाले नवी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो इस दूसरी यूनिट की क्षमता 600 मेगावाट है। इस यूनिट से बिहार को 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसको लेकर NTPC की तरफ से बताया गया है कि सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 3 इकाइयों के साथ नवी नगर थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता 1980 मेगावाट है। नवी नगर की पहली यूनिट से वाणिज्यिक प्रचलन सितंबर 2019 में शुरू हुई थी। उसी यूनिट से बिहार को 559 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस बाबत नवी नगर परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिन्हा ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि बिहार में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। दूसरी यूनिट के अस्तित्व में आने के बाद इसकी बढ़ रही मांग की पूर्ति करने की इजाजत होगी। इसके साथ ही बाकी बिजली के लिए यूपी, झारखंड और सिक्किम को आवंटित किया गया है। वहीं तीसरी यूनिट का निर्माण फिलहाल अंतिम चरण में है। जानकारों की माने तो अगले 6 महीने में इस यूनिट से उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। NTPC पूर्वी क्षेत्र 1 के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक प्रवीण सक्सेना ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच यह उपलब्धि टीम भावना से हासिल हुई है। इसके साथ ही दूसरी तरफ बिहार के शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसके तहत राजधानी पटना समेत कई इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम विभाग ने शुरू भी कर दिया है, जिसको आने वाले समय में पूरे बिहार में ही लागू करने की योजना पर काम हो रहा है। सरकार की यही कोशिश है कि आने वाले कुछ समय में समूचे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया जाए, ताकि बिजली विभाग को हो रही परेशानी का समाधान हो सके। क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बिजली का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब बिल भरने की बात आती है तो बिल भरना जरूरी नहीं समझते, जिससे बिजली विभाग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब सरकार की यही कोशिश है कि विभाग को इस तरह की वित्तीय परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोग सिर्फ उतनी ही बिजली खपत करें जितना उन्होंने रिचार्ज किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी इसी महीने से कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने अब तक अपना बिजली बिल नहीं जमा किया हुआ है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर अब बिल की वसूली की योजना के साथ बिजली विभाग काम कर रही है। इसके साथ ही बिहार सरकार हर गांव में निर्बाध बिजली पहुंचाने की योजना के लिए तो काम कर ही रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बिहार के हर गांव में बिजली की उत्पन्न हो रही समस्या से बिहार को निजात मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।